मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नमस्कार, टॉम हैडी की फिल्म वेनम 3 सिनेमाघरों में 25 अक्टूबर से सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और फिल्म फिलहाल कलेक्शंस करने के मामले में वर्ल्ड वाइड सहित भारत के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही फिल्म ने जहां अपने शुरुआती प्रीवियस 5 डेज तक भारत के बॉक्स ऑफिस से 35 करोड़ की धुआंधार कमाई कर जबरदस्त कलेक्शंस कर सिनेमाघरों में सक्सेसफुली रनिंग कर रही है। तो वहीं दोस्तों बता दूं कि फिल्म वेनम 3 के सिनेमाघरों में रिलीज हुए 6 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म के छठे दिन के कलेक्शंस की, तो धनतेरस के मौके पर फिल्म वेनम 3 का कलेक्शंस में थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिला और फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 6 के अंदर करीब 2.50 करोड़ की नेट कमाई कर टोटल 6 डेज तक इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 36.50 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है। तो वहीं दोस्तों बता दूं कि फिल्म का वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से $250 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म वेनम 3 को $120 मिलियन के बजट में तैयार किया गया है। इंडियन करेंसी में फिल्म को 1008 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म वेनम 3 फिलहाल सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। फिल्म हॉलीवुड की साल 2024 की एक सुपर हीरो फिल्म है। फिल्म के पहले पार्ट से लेकर के फिल्म के आखिरी पार्ट यानी वेनम द लास्ट डांस को भी जबरदस्त का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा। दोस्तों बता दूं कि फिल्म के पहले पार्ट ने वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से $858 मिलियन की ताबड़तोड़ कमाई की थी, तो वहीं फिल्म के दूसरे पार्ट ने $506 मिलियन के आंकड़े को पार करने में कामयाब रही थी। फिलहाल फिल्म वेनम 3 सिनेमाघरों में रिलीज है। फिल्म को अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को जरूर देखें। चलिए दोस्तों बात करते हैं तेलुगु की पैन इंडिया रिलीज फिल्म देवरा पार्ट 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 33 के बारे में। देखते देखते फिल्म देवरा पार्ट 1 सिनेमाघरों में 33 डेज कंप्लीट कर चुकी है। बात करेंगे फिल्म के 33 डे कलेक्शंस की, तो फिल्म देवरा पार्ट 1 ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 33 के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 80 लाख की कमाई कर टोटल 33 डेज तक वर्ल्ड वाइड 549.40 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर ली है। तो फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बॉक्स ऑफिस से 249 करोड़ की कमाई हो चुकी है। तो फिल्म का हिंदी वर्जन में 72.05 करोड़ की नेट कमाई हो चुकी है। फिल्म देवरा पार्ट 1 के बजट की बात करें तो फिल्म के पहले पार्ट को ओवरऑल 300 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट एंड स्टार्स के सैलरीज को मिलाकर। फिल्म देवरा पार्ट 1 की बात करें तो फिल्म के पहले पार्ट को जबरदस्त का रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म के पहले पार्ट में जबरदस्त का VGM, सिनेमेटोग्राफी तो फाइट सीक्वेंस जबरदस्त देखने को मिले हैं। फिल्म में जूनियर NTR ताबड़तोड़ रोल में नजर आए हैं। फिल्म फिलहाल 33 डेज तक सिनेमाघरों में सक्सेसफुली रनिंग कर रही है। फिल्म देवरा पार्ट 1 को दोस्तों अगर आपने अभी तक मिस किया है तो नजदीक थिएटर्स में फिल्म देवरा पार्ट 1 को जरूर देखें। चलिए दोस्तों बात करते हैं तमिल की पैन इंडिया रिलीज फिल्म वेडैयन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 20 के बारे में। दोस्तों फिल्म वेडैयन सिनेमाघरों में 10 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी, जिसकी रिलीज हुए सिनेमाघरों में 20 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे सुपरस्टार रजनीकांत स्टार ऑफ फिल्म वेडैयन के कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म के सिनेमाघरों में 20 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। फिल्म के 20 डेज तक टोटल कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म वेडैयन ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 20 के अंदर करीब 2 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर टोटल 20 डेज तक वर्ल्ड वाइड से 329 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर ली है। तो फिल्म के बजट की बात करें तो दोस्तों बता दूं कि फिल्म वेडैयन को ओवरऑल 300 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। 300 करोड़ के मुकाबले फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ के धीरे धीरे करीब पहुंच रही है। फिल्म वेडैयन की बात करें तो फिल्म तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत पुलिस ऑफिसर के किरदार में है। तो वहीं फिल्म में अमिताभ बच्चन करीब 33 साल के बाद सुपरस्टार रजनीकांत के साथ नजर आए हैं। तो वहीं फिल्म में फहद फासिल, राणा दुगुपति एंड मंजू वारियर भी लीड रोल में नजर आए हैं। फिल्म वेडैयन दोस्तों अगर आपने अभी तक मिस किया है तो नजदीक थिएटर्स में फिल्म को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म जिगरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 19 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म जिगरा के कलेक्शंस की, तो फिल्म जिगरा सिनेमाघरों में 19 डेज कंप्लीट कर चुकी है। फिल्म के 19 डे कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म जिगरा ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 19 के अंदर 50 लाख की कमाई कर टोटल 19 डेज तक 33.85 करोड़ की नेट कमाई कर ली है। तो वहीं दोस्तों बता दूं कि फिल्म जिगरा को ओवरऑल 90 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर 90 करोड़ के मुकाबले फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा संघर्ष कर रही और फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती हुई नजर आई है।
फिल्म की बात करें तो फिल्म में आलिया भट्ट सत्या के किरदार में नजर आ रही हैं फिल्म को। दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो वीकेंड डेज में फिल्म को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म विकी विद्या के वो वाला वीडियो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 19 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म विकी विद्या के वो वाला वीडियो के कलेक्शन की। बात करें तो फिल्म के सिनेमाघरों में 19 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म के 19 डे कलेक्शन की तो धनतेरस के मौके पर फिल्म ने 19 डे के अंदर 30 लाख की कमाई कर टोटल 19 डेज तक इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 42.55 करोड़ की नेट कमाई कर ली है। तो दोस्तों बता दूं कि फिल्म का वर्ल्ड वाइड से अप्रॉक्स 60 करोड़ कमा चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म विकी विद्या की वो वाला वीडियो को ओवरऑल 60 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। फिल्म विकी विद्या के वो वाला वीडियो की बात करें तो फिल्म में जबरदस्त का कॉमेडी देखने को मिलता है। फिल्म में राजकुमार राव एंड तृप्ति डिमरी की जोड़ी नजर आई है। फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो फिलहाल सिनेमाघरों में जैसे तैसे आगे बढ़ रही है। फिल्म फिलहाल आने वाले दिनों में कलेक्शंस करने के मामले में कैसा परफॉर्मेंस करती है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोस्तों बता दूं कि अभी फिलहाल धनतेरस और दिवाली भी आने वाली है। ऐसे में फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो के कलेक्शंस पर जबरदस्त का गिरावट देखने को मिल रहा है। फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं मलयालम लैंग्वेज की साल 2024 की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म बोगेनविला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 13 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म बोगेनविला के कलेक्शंस की तो फिल्म बोगेनविला सिनेमाघरों में 13 डे कंप्लीट कर चुकी है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म बोगेनविला अपने शुरुआती 4 डेज तक वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शंस कर रही थी। फिलहाल 13 डेज तक आते आते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती हुई नजर आई है। फिल्म ने जहां अपने शुरुआती 4 डेज तक वर्ल्ड वाइड से 30 करोड़ की ग्रॉस कमाई करने में कामयाब रही थी, तो वहीं दोस्तों फिल्म के आज सिनेमाघरों में 13 डेज तक आते आते टोटल कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म बोगेनविला ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13 तक आते आते टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 43.40 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर ली है। फिल्म बोगेनविला के बजट की बात करें तो बोगेनविला को 20 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में फहद फासिल एंड कोचाको बोबन जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म को फिलहाल मिक्स पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं। फिल्म अपने शुरुआती दिनों में धुआंधार कलेक्शंस कर रही थी। दोस्तों फिल्म मलयालम लैंग्वेज की एक और शानदार फिल्मों में से एक है। फिल्म आपको लास्ट समय तक एंगेज करती है। फिल्म में दोस्तों जबरदस्त का ट्विस्ट भी देखने को मिलता है। फिल्म में फहद फासिल एंड कोचाको बोबन का शानदार काम है। फिल्म बोगेनविला फिलहाल सिनेमाघरों में रिलीज है। फिल्म दोस्तों अभी फिलहाल धनतेरस और दिवाली के मौके पर कैसा परफॉर्मेंस करती है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिल्म बोगेनविला फिलहाल सिनेमाघरों में संघर्ष कर रही है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेखा झोंका हाल फिल्म के कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक कर एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरे इस एंटरटेनमेंट न्यूज कलेक्शंस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।